Hi guys, welcome back again. In this lecture we will see what is equivalence relation. So definition of equivalence relation: a relation on set A is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. Okay, so all relation must be true. ठीक है, इसको reflexive भी होना है, symmetric भी होना चाहिए और transitive भी होना चाहिए. ठीक है, example के लिए हम एक set ले लेते हैं A, जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी. ठीक है, और वन बाय वन हम चेक करेंगे ये जो रिलेशन है, जो हमने आर वन रिलेशन लिया है, दैट इज ऑर्डर पेयर ए ए, ऑर्डर पेयर बी बी, कमा ऑर्डर पेयर सी सी, ऑर्डर पेयर बी सी, कमा ऑर्डर पेयर सी बी, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. ठीक है, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी. ठीक है, यदि ये तीनों है तो हम बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है, तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या था, कि जो कोई भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, दैट इज ए ए से रिलेटेड होना चाहिए, बी बी से रिलेटेड होना चाहिए और सी सी से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और दूसरे भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं रिलेशन में. तो हमारा ये कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है. ये ए से रिलेटेड है, बी बी से रिलेटेड है, सी सी से रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा. ठीक है, तो फर्स्ट चेक में पास है. दूसरा सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं. ठीक है, तो जो भी ऑर्डर पेयर है, सपोज मैंने एक ऑर्डर पेयर ले लिया आई जे एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, तो यदि आई जे रिलेशन में है तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, जे आई भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना, तभी तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है. ठीक है, जे आई भी रिलेशन में होना चाहिए. किसी पर्टिकुलर केस में आई और जे इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, ओके. तो कहने का मतलब है यदि ए ए से रिलेटेड है तो सपोज दिस वे, ए ए से रिलेटेड है तो ए ए से रिलेटेड है, चलिए सिमेट्रिक है ये भी. बी बी से रिलेटेड है, बी बी से रिलेटेड है, ये भी है. बी बी क्या है, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में जब सेम ही एलिमेंट है तो ऑर्डर पेयर का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, यदि वैल्यू सेम है इसकी, ठीक है, क्योंकि रिलेशन हमारा ए टू ए डिफाइंड है, है ना, तो बी इस वे आप बोलें या इस वे बोलें, दोनों वे से ट्रू है. सी सी ऑर्डर पेयर है या सी सी ऑर्डर पेयर, मैथमेटिकली ये ट्रू है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यदि ऑर्डर पेयर बी सी है तो क्या होना चाहिए, सी बी भी होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे. तो हम सारे ऑर्डर पेयर को वन बाय वन चेक करके देख रहे हैं कि सबका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है. ठीक है, सिमेट्रिसिटी के लिए, है ना, तो हम ये बोलेंगे ये भी सिमेट्रिक है. ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करते हैं. तो सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या था रिक्वायरमेंट, यदि इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी. ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम चेक करते हैं ए ए के लिए. ठीक है, तो कंडीशन है कि यदि ए ऑर्डर पर ए कमा ए यदि रिलेशन में है, ठीक है, एंड इसी को हम रिवर्स में लिखते हैं कि ऑर्डर पेयर ए ए रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए. सपोज इस एलिमेंट को एज गुड एज हम कैंसिलेशन करके जो बचता है उसको हम लिखते हैं ना, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए ए को रिलेशन में होना चाहिए क्योंकि ट्रू है. ठीक है, ऐसे सेम आर्गूमेंट अप्लाइज फॉर बी कमा बी, सी कमा सी ऑल्सो. तो यहाँ तक हम चेक कर चुके हैं कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इस ऑर्डर पेयर में. नाउ कमिंग टू बी सी. ठीक है, यहाँ पर देखिए बी रिलेटेड है सी से, ठीक है, और सी रिलेटेड है बी से, है ना, तो क्या होना चाहिए, बी बी भी होना चाहिए, है ना, जो कि है यहाँ पर, है ना, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है. अब हम चेक करते हैं, देखिए बी बी है यहाँ पे, यहाँ पे बी सी है, तो यदि हम बी बी को कैंसिल करते तो क्या होना चाहिए, बी सी रिलेशन में होना चाहिए, तो है. ठीक है, सिमिलरली ए ए को चेक करने के लिए ए से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑर्डर पे है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो
जितना हम चेक कर रहे हैं सभी में क्या हो रहा है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। हम बोलेंगे कि रिलेशन आर वन विच इज डिफाइंड ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो कंबाइनिंग ऑल दिस थ्री रिलेशन वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। ओके, so by end of this we have finished this lecture, and if you like this please subscribe to our channel NumberX and share to your friends. Also provide comments in the comment box and like as much as you can. Thanks for watching. Till then, goodbye.